तो हेलो गाइस, आज हम डायनामाइजेशन पढ़ेंगे कि डायनामाइजेशन क्या होता है। तो वन थिंग कि डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन सेम थिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन, इट इज़ अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब मैथमेटिको और मैकेनिकल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि आप आगे देखोगे जो प्रोसेस पोटेंटाइजेशन में यूज हो जाए, मेनली ट्राइचुरेशन और सकर्शन करते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फिक्स्ड रेशियोज़ में हम करते हैं जो भी प्रोसेस करना होता है, जैसे 1:9 कर रहे हैं या 1:99 कर रहे हैं या 10 स्ट्रोक्स देना है, तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली एनालाइज करके हम कुछ भी करते हैं, तो इसलिए मैथमेटिको। और इसको हमने मैकेनिकल इसलिए बोला है क्योंकि मैकेनिकल, क्योंकि हम कहीं स्ट्रोक्स दे रहे हैं, कहीं भी हम फ्रिक्शन लगा रहे हैं, तो इसलिए हम ये इसमें मैकेनिकल प्रोसेस भी करते हैं। तो मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ विच इनहेरिटेड डोमिनेंट डायनामिक क्यूरेटिव पावर ऑफ डॉग इज अरोस्ड और इंक्रीज्ड, ठीक है। ठीक है, तो हम ये प्रोसेस करके हम पोटेंटाइजेशन करते हैं, तो इसलिए हम इसको मैथमेटिकल मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इनहेरिट डोमिनेंट डायनेमिक क्यूरेटिव पावर ऑफ डॉग को हम बढ़ाते हैं या अरोज करते हैं, ठीक है। और ये किससे करते हैं, ऑन सक्सेसिव प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन एंड फ्रिक्शन। तो आपको ये समझ नहीं आएगा शायद कि डाइल्यूशन फ्रिक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ कि हम डाइल्यूशन करते हैं सकर्शन में, कि इसमें हम स्ट्रोक्स देते हैं और लिक्विड सब्सटेंस में व्हीकल डालते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं एक तरीके से, और फ्रिक्शन भी हम देते हैं ट्राइचुरेशन प्रोसेस में, हम फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो मेन प्रोसेस है जिसकी वजह से हम पोटेंटाइजेशन करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ लिखी हुई है। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं, इट इज़ अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ विच इनहेरिटेड डोमिनेंट डायनेमिक क्यूरेटिव पावर ऑफ डॉग इज अरोस्ड और इंक्रीज बाय मॉडिफाइंग डॉग स्ट्रेंथ ऑन सक्सेसिव प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन एंड फ्रिक्शन इन डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये है पोटेंटाइजेशन में बेसिक यू नो डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हेनमैन ने क्या कहा पोटेंटाइजेशन के बारे में, हम ये भी देख लेते हैं। तो हेनमैन ने कहा कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मेडिसिनल प्रॉपर्टीज विच आर लेटेंट इन द क्रूड सब्सटेंस बिकम अरोस्ड विच देन एबल टू एक्ट ऑन द बॉडी फॉर क्योर। तो ये प्रोसेस है जिसकी वजह से हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी को, जो लेटेंट है उसको, हम क्रूड सब्सटेंस में लेटेंट है उसको हम अरोस करते हैं, और जिसकी बदौलत वो बॉडी पे एक्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। और उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी बताई, उन्होंने बोला अगर ड्राई सब्सटेंस होगा तो उसको हम ट्राइचुरेट करेंगे, और अगर फ्लूड सब्सटेंस होगा तो हम उसको शेकिंग या सकर्शन प्रोसेस से उसका हम पोटेंटाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब स्टुअर्ट क्लॉस भी एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला हम ये भी देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला इट इज़ अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस फॉर रिडक्शन, क्योंकि रिड्यूस करते हैं हम, एक तरह से डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो एक तरह से ड्रग सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें रिड्यूस होता है, रिडक्शन होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्केल्स, बहुत सारी डिफरेंट स्केल्स होती है, जैसे सेंटिसिमल, मिलिसिमल एंड जो भी होता है डेसिमल। तो ये तीन स्केल्स के थ्रू हम रिडक्शन करते हैं ड्रग सब्सटेंस का, जिसकी वजह से जो क्रूड इनर्ट या पॉइजनस सब्सटेंस है उनकी फिजिकल सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, फिजिकल एसिमिलेबिलिटी बढ़ जाती है, थेरोपेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, और वो बहुत कम हार्मलेस होते हैं। लेकिन आप ऐसे, आपको पता होगा कि बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं जो अपने क्रूड सब्सटेंस में हो सकता है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो ह्यूमन लाइफ के लिए, लेकिन जब हम उसको एक बार पोटेंटाइज कर देते हैं तो वो हार्मलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इन प्रोसेस के लिए भी हम पोटेंटाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिससे वो हमारी होम्योपैथिक हीलिंग रेमिडीज़ में काम आ सके, ठीक है। तो ये था सब कुछ डेफिनेशन और जितना भी आपको पता होना चाहिए पोटेंटाइजेशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ये हिस्ट्री क्या है डायनामाइजेशन, कब स्टार्ट हुआ या कब, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 5th edition ऑफ ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन, जो कि आया था 1833। तो 1833 में 5th edition ऑफ ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन पब्लिश हुआ था, जिसमें सबसे पहली बार हमें डायनामाइजेशन के बारे में पता चला था कि डायनामाइजेशन होता क्या है, हेनमैन के थ्रू, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं धीरे धीरे कि कैसे आया था। तो सबसे पहले मैंने, वैसे आप हिस्ट्री देखोगे तो हर चीज़ की हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, पर इसमें मैंने मेन चीज़ें लिखी है कि ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए कि ये चीज़ें कब हुई थी डायनामाइजेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो सबसे पहले 1796 में हेनमैन ने सबसे पहले पब्लिश किया था एसेज ऑन न्यू प्रिंसिपल्स,
एसेज ऑन न्यू इम्प्लिसिटी ये उनकी बुक थी, पर उसमें भी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी ड्रग की पोटेंसी के बारे में। तो आपको पता होगा 1796 तक हमें ड्रग पोटेंसी के बारे में कुछ पता नहीं चला, ठीक है। उसके बाद 1798 में आ जाते हैं, 1798 में पहले हिंट्स आने लग गए डाइल्यूशन के, ठीक है। तो डाइल्यूशन के हमें हिंट्स मिलने लग गए क्योंकि एग्रवेशन बहुत होने लग गया था, क्योंकि हम मेडिसिन कोई भी हमें पता चला कि ये मेडिसिन है तो हम उसका सीधा उसकी मेडिसिन बना के दे देते थे, तो उसे एग्रवेशन आने लग गए। तो जब लोगों ने देखा, डॉक्टर्स ने, कि इससे एग्रवेशन हो रहे हैं मेडिसिन से, तो उन्होंने उन चीज़ों को, उन मेडिसिन को डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया। ये तो डाइल्यूशन का प्रोसेस 1798 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। उसके बाद आपको पता होगा 1810 में फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन पब्लिश हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई मेंशन नहीं था, नो मेंशन ऑफ पोटेंटाइजेशन, बट डाइल्यूटेड डोजेस वर एडवाइज नॉर्मली फॉर सेक ऑफ प्रिवेंटिंग वॉयलेंट एक्शन ऑफ रेमेडी, ठीक है। लेकिन डाइल्यूटेड डोजेस देने के लिए ऐसा बोल दिया गया था कि आप डाइल्यूटेड डोजेस देना शुरू कर दो क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन स्टार्ट हो रही है, तो आप डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दो ड्रग सब्सटेंस को, ऐसा बोला गया था हेनमैन के थ्रू, ठीक है। 1810 तक हमें समझ आ गया। फिर 1812 या 1812 और 1815 में क्या हुआ, टाइफस फीवर बहुत ज़्यादा फैलने लग गया। तो टाइफस फीवर को क्योर करने के लिए हमें ऐसा देखा गया कि जितना नॉर्मल डोजेस काम नहीं कर रही, उतना स्मॉल डाइल्यूटेड डोजेस ज़्यादा काम कर रही थी। तो उनके एक्सपीरियंस से ये पता चला कि हिज एक्सपीरियंस प्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ डाइल्यूटेड मेडिसिन। तो उनको पता चलने लग गया कि डाइल्यूटेड मेडिसिन ज़्यादा पावरफुल होती है डिजीज़ के लिए और एग्रवेशन को रोकने के लिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्रूड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये 1812 में हुआ था टाइफस फीवर और इसका जब आया था, जो भी दौर आया था, ठीक है। फिर 1825 में क्या हुआ, 1825 पे ना फिर लोगों ने सवाल उठाने लग गए कि कैसे यार, मतलब तुम डाइल्यूट कर रहे हो मेडिसिन को, बिल्कुल मतलब मेडिसिन की क्वालिटी हमको समझ नहीं आ रहा कि मेडिसिन की क्वालिटी कैसे बढ़ रही है अगर क्वांटिटी ड्रग की कम हो रही है। तो ये अभी तक एक बहुत बड़ा मतलब वो है कि, लेकिन आपको ये पता चलता रहेगा कि कैसे ये इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था कि कैसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं और डाइल्यूट करने के बाद जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो बढ़ रही है। तो 1825 तक उन पे बहुत ज़्यादा अटैक्स होने लगे कि आप जो बोल रहे हो वो झूठ है। और आपको ऐसे पता भी होगा कि हेनमैन पे बहुत ज़्यादा ही थ्योरीज उठाई गई कि ये जो भी बोलते हैं वो झूठ है, लेकिन अब बाद में प्रूफ हो गया, उन्होंने एक पूरी मतलब यू नो मेडिसिनल सिस्टम ही एक बना दिया होम्योपैथ का। लेकिन 1825 पे उन पे बहुत ज़्यादा अटैक्स होने लग गए इस चीज़ पे, इन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए कि कैसे डाइल्यूट करने पे हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं। फिर 1827 में क्या हुआ, सेकेंड एडिशन ऑफ सिक्स वॉल्यूम ऑफ मटीरा मेडिका प्यूरा पब्लिश हुई, सेकेंड एडिशन, और उसमें उन्होंने इन बातों का आंसर किया कि हाउ डाइल्यूशन कैन इंक्रीज मेडिसिनल पावर, ठीक है। तो 1827 में उन्होंने फाइनली आंसर किया। फिर 1828 और 1833 जो है को कहा जाता है न्यू एरा ऑफ हाई पोटेंसी, क्योंकि इस टाइम पे लोग अब बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसीज यूज़ करने लगे। जैसे आपको पता होगा, जैसे जेएच केंट थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पोटेंसीज यूज़ की थी जो हाई पोटेंसीज थी। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स आए जिन्होंने इस टाइम को, मेनली इस टाइम पे उन्होंने सबसे ज़्यादा हाई पोटेंसीज का यूज़ किया, तो इसलिए इसको न्यू एरा ऑफ हाई पोटेंसीज भी कहते हैं। और एक और चीज़, हेनमैन ने इसी टाइम पे बताया था कि जो स्टैंडर्ड डोज होता है वो था 30 C, तो 30 सेंटीसिमल स्केल एक स्टैंडर्ड डोज उन्होंने बताया। और आपको पता होगा 1833 के अंदर ही 55th एडिशन ऑफ ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन पब्लिश्ड हुई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5th एडिशन ऑफ ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन कब पब्लिश हुई थी, 1833। उसमें उन्होंने पहली बार पोटेंटाइजेशन, डायनामाइजेशन, इन सारी वर्ड्स का यूज़ किया, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया। तो ये जो ईयर है और ये जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायनामाइजेशन की हिस्ट्री के लिए, ठीक है। फिर एक लास्ट चीज़ थी, 1839 में उन्होंने सेकेंड एडिशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ एक और बुक पब्लिश हुई, उन्होंने उसके अंदर डेफिनेशन बताई कि ये जो हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी ना कि मैथमेटिको ये है वो है या डाइल्यूट ये कर देता है, तो वो जो डेफिनेशन थी वो सबसे पहले किस में आई, सेकेंड एडिशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, इसमें उन्होंने उसको नाम दे दिया, इसके अंदर उन्होंने डेफिनेशन दी। तो ये थी पूरी हिस्ट्री डायनामाइजेशन की। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ना कुछ लेटेस्ट प्रोसेस ऑफ डायनामाइजेशन, द लेटेस्ट प्रोसेस ऑफ डायनामाइजेशन वाज रिकॉर्डेड इन सेक्शन 270 से 272 ऑफ ऑर्गनन ऑफ सिक्स्थ एडिशन, ठीक है। एंड ऑल्सो शो द पाथ
ऑफ प्रिस्क्राइबिंग 50th मिलिस्मल स्केल, ठीक है, तो इसी एडिशन में उन्होंने 50th मिलिस्मल स्केल को कैसे यूज़ करना है उसका भी पाथ बताया था। आपको ये चीज़ पता होगी कि हेनमैन ने ही 50 मिलिस्मल स्केल की भी खोज की है, मतलब डिस्कवर किया है, और सेंटिस्मल स्केल की भी खोज उन्होंने ही की है, और डेसिमल स्केल की खोज किसने की आप मुझे कमेंट्स में बताना, आपको पता है नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद मेन हम पढ़ते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है डायनामाइजेशन के, सबसे पहले टू अवॉइड अननेसेसरी मेडिसिनल एग्रीवेशन एंड साइड इफेक्ट्स बाय डिक्रीजिंग मेडिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो हम मेडिसिन की क्वांटिटी कम करते हैं जिसकी वजह से मेडिसिनल एग्रीवेशन भी कम हो जाता है और साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं उस मेडिसिन के, तो ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड, मेडिसिनल प्रॉपर्टी विच आर लेटेंट आर अरोज, ठीक है, जो लेटेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो भी अरोज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड, टू मेक मेडिसिन डायनेमिक इन नेचर, जो डायनेमिक नेचर में बनाने के लिए मेडिसिन को ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द मोर द मेडिसिन इज डायनामाइज द मोर इज इट्स मेडिसिनल पावर, तो जितनी ज़्यादा डायनामाइजेशन मेडिसिन पे हुई होगी, डायनामाइजेशन जितनी ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा पोटेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसकी मेडिसिनल पावर होगी, तो ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो ये चीज़ है, द मोर द मेडिसिन इज डायनामाइज द मोर इज इट्स मेडिसिनल पावर, ठीक है। फिर पोटेंटाइजेशन हेल्प टू इंडिविजुअलाइज अ ड्रग, तो इससे क्या होता है, ड्रग भी इंडिविजुअलाइज हो जाता है, कैसे, जैसे सपोज एक मेडिसिन है आपके पास 1C की मेडिसिन है और एक है 30C की, तो ये दोनों अलग अलग मेडिसिन होगी, अगर हम सेम डिजीज पे दोनों मेडिसिन का यूज़ करवाएंगे तो हो सकता है एक से वो ठीक हो जाए पर एक से वो जो चीज़ है वो और ज़्यादा वर्स हो जाए, तो इससे ये जो है इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करता है एक मेडिसिन को, ठीक है। उसके बाद पोटेंटाइजेशन इंक्रीज थेरेपिटिक मतलब क्योरेटिव पावर, थेरेपिटिक एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ डॉग, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से क्योर कर देगा अगर हम पोटेंटाइज करेंगे, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब वो डिजीज़ को मारने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ, एबनॉर्मल सस्पेक्टिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल अबनॉर्मैलिटीज मियाजम्स कैन ऑल्सो बी क्योर्ड बाई डायनेमिक एंड डीप एक्शन ऑफ ड्रग, इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ लोग, आपको पता होगा कि हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं कि मियाजम क्या है, मियाजम्स क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा ऑर्गनन में कि मियाजम्स पे हम देते हैं मेडिसिन, ये मतलब इसका मतलब ये है कि एक इंसान है और दूसरा इंसान है तो दोनों को सेम डिजीज़ सपोज हुई है, दोनों को सेम डिजीज़ है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों को सेम मेडिसिन दे तो वो दोनों ठीक हो जाए, हो सकता है उन दोनों को डिफरेंट मेडिसिंस लगे, तो सेम मेडिसिन देना ज़रूरी नहीं है, तो उनके मियाजम्स पे, उनकी पर्सनालिटी पे, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनको ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, क्या पसंद करते हैं, इन सब पे डिपेंड करती है एक मेडिसिन, ठीक है। तो इसके तो ये चीज़ भी अगर हमें जाननी है तो ये चीज़ के लिए भी हमें ड्रग का पोटेंटाइज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए एबनॉर्मल सस्पेक्टिबिलिटी इन सब के लिए हमें डीप एक्शन ड्रग का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल क्वालिटी इंक्रीज एंड स्फीयर ऑफ एक्शन ऑल्सो इंक्रीज, तो मेडिसिनल की मेडिसिन की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है और स्फीयर ऑफ एक्शन की, पहले हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ CNS वाली मेडिसिन हो, पर जब हम पोटेंटाइज करते हो सकता है उसका हार्ट पे भी एक्शन आ जाए, तो ऐसे उसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जैसे ही हम पोटेंटाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमें लास्ट चीज़ पढ़नी है वो है इफेक्ट्स ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑन ड्रग, तो क्या क्या इफेक्ट, अगर एक ड्रग हमने लिया है, सपोज एक ड्रग है मेरे पास और मैं इसको अगर पोटेंटाइज कर देती हूँ, अगर मैं इसको पोटेंटाइज करके कोई मतलब ड्रग फॉर्म कर देती हूँ, अगर ये पोटेंटाइज ड्रग है, तो इसमें क्या क्या फ़र्क आया है नॉर्मल क्रूड से, तो क्या क्या फ़र्क आया, फर्स्ट थेरेपिटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है क्योंकि क्वालिटी ऑफ ड्रग इंक्रीज हो गया है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग डिक्रीज हो गया है। सेकंड, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब आपको पता है कि ये पोटेंटाइजेशन टेक्निक है वो क्या है, मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है, तो मैकेनिकल प्रोसेस है मतलब हम इसके अंदर कोई एनर्जी लगाते हैं, एनर्जी दो टाइप में लगाते हैं, या तो हम फ्रिक्शन लगाते हैं या तो हम डाइल्यूशन करते हैं, तो दोनों से ही हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, स्ट्रोक्स देते हैं, ठीक है, और फ्रिक्शन में क्या करते हैं, हम उसको मोर्टार एंड पेस्टल की हेल्प से उसको अच्छे से पीसते हैं, है ना, मतलब जैसे मोर्टार एंड पेस्टल है तो उसमें हम अच्छे से पीसते हैं, तो इससे क्या होता है, दोनों से ही हम उसके अंदर कोई एनर्जी क्रिएट करते हैं,
ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ड्रग सब्सटेंस की, मींस गेनिंग ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम मेडिसिन की भाषा में डायनेमिक एनर्जी कहते हैं। तो हम एक तरीके से उसके डायनेमिक एनर्जी बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऑल्सो एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, ऐसा हो सकता है कि हमको सब्सटेंस लाए उसके अंदर कोई क्रूड सब्सटेंस है, ठीक है, कोई टॉक्सिक चीज़ है, लेकिन हम उसको एक बार पोटेंटाइज कर देंगे तो उसके अंदर से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी चला जाता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूँ, जैसे सपोज ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, जैसे लैकेसेस आपको पता होगा, नाजा ये एक मेडिसिन है जो प्रिपेयर होती है स्नेक के वेनम से। ओपियम है, ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है, आर्सेनिक, मर्करी, पोटेशियम साइनाइड, ये सब बहुत हार्मफुल है अगर हम नॉर्मल क्रूड सब्सटेंस में ले लें। लेकिन जब एक बार इसको पोटेंटाइज कर देते हैं तो इसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमें हार्म कर सकते हैं वो बाहर हो जाता है, या इसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर जो हम लास्ट चीज में पढ़ेंगे वो है फिनोमना ऑफ पोटेंटाइजेशन। तो दो फिनोमना है, डाइल्यूशन एंड फ्रिक्शन, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके बाद वाला जितना भी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। और अगर आपको पीछे से ज़्यादा शोर आ रहा था तो सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखूँगी, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे मैं और ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ। सो बाय एंड टेक केयर।